मम्मी जी, बस एक बार आप मुझे जवाब दे दो। बाबा जी से ना मैं दुआ मांगूंगी कि आपको मेरी जैसी बहू मिले। वैसे वो तो आपको मिली गई है, पर जो भी है। पम्मी जी, एक बार प्लीज आप मेरे से मिल लो, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बहुत भेज दिए हैं, अब काम हो जाना चाहिए, ये बचनी नहीं चाहिए। ओए हाथ देख के तो मारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे मीरा जी, पैसे लिए हैं, मरना तो पड़ेगा। होटल किंग 10 बजे पार्टी में मिलना। मैंने तुम्हारी डीपी देखी है तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। मेरी पहचान होगी गुलाब जल। थैंक यू बाबा जी। अरे मैडम जी, आप गुलाब जल लगा के आओ या चमेली का तेल, मैं आपको यूं पहचान लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, गाड़ी में चले? श्योर, किंग्स होटल 10 PM राइट? और वैसे भी थ्योरी में आज तक तुम लोग को जो सिखाया उसे प्रैक्टिकल में देखने का टाइम आ गया। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके शुक्रिया। कैसी लग रही हूँ मैं? क्योंकि तुम्हारी मम्मी जी जो लगा के आने वाली है तो मैंने सोचा मैं भी लगा जाऊँ, अपनापन लगेगा ना। बोलो मैं कैसी लग रही हूँ? पार्टी में लोग मुझे देख के हंसेंगे तो नहीं ना? हाँ, तो अब अपने वो FBI फ्रेंड से कहाँ मिलूंगी? पीपल के पेड़ के नीचे। तुम किसी लड़के से मिलने के लिए पार्टी में जा रही? हाँ, तो इतनी चाटे करते हैं तो बात आगे बढ़ानी है कि नहीं? जल गया? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जलूंगा? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वो पर्दा जल गया। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। ओ नकली पति देव, असली पति वाला हक मत जताओ। मैं कोई पति पति का हक नहीं जता रहा, वो तो बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए, इट्स अनसेफ। तो कौन सा, मैंने चंबल की गलियों में जाना है, पार्टी में जा रही हूँ, सेफ ही सेफ है, एकदम ISI वाला सेफ। और सड़कें, सड़कें भी सेफ है क्या? अगर मेरी गाड़ी ठीक होती तो तुम्हें छोड़ देता। You are not going anywhere, just sit down. मेरी जो मुंह पैड है ना, एकदम सेफ है। चलो मैं जाती हूँ। इतना क्यों चल रही हो? तुम्हें कोई प्रिंस मिलने वाला है? नहीं, मेरा प्रिंस नहीं, मेरा रांझा, मेरा मजनू, मेरा महिवा है। डेंगू का मच्छर। मुझे हो क्या रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो जो करना चाहती है करे। Why am I so bothered? बाबा जी, आज मैं सासू माँ मिल जाए,
ताकि मैं विमान की थोड़ी मदद कर पाऊँ। और आज तुमने गुलाब जल भी लगाया तो मुझे पक्का पता है वो मिल ही जाएंगी। बाबूजी, मुझे तो लग रहा है किसी की वोटी है। जी जी जी, मेरी ही वाइफ। आप चलिए ना। अच्छा, आप हैं? आपकी वोटी भाग रही है? ओए, वोटी तो मेरी भागी थी जी। और देखो, मेरे पास अभी ना कुछ बचा ही नहीं बाबूजी। ओए, मैंने ना हुशियारपुर का चड्डा क्लब ज्वाइन किया है। आपको तो आपकी भी एंट्री करवा दूं वहां पे। सरदार जी सुनिए, मुझे कोई क्लब ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उतना कीजिए ना जितना आपको बोला है। गाड़ी चलाइए और उस गाड़ी को फॉलो कीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। ओए बाबूजी, मैं भी ऐसे ही सोचा करता था जी। ओए, पता नहीं मेरी भी वोटी किस किस तरह के लड़कों से बात करने उसने शुरू किया जी। मुझे आपकी बीवी और आपकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप प्लीज गाड़ी चलाइए और उस गाड़ी का पीछा करिए। ठीक है बाबूजी, चिंता ना करो जी। बिना मॉड सी मॉड पार्टी भी ऐसी लगती है जैसे जिगराता चल रहा हो। ट्रस्ट मी, इस एक बार यहाँ आने में तुमसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। इस घर का वो भजन कीर्तन और कांस्टेंट देसी पना देख के मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी दैट आई जस्ट हैड टू गेट आउट एंड आई नीडेड सम इंग्लिश पना, तो यहाँ आ गई। तो आपको ABCD सुनाऊं? लाली, इंग्लिश की तो बात कर रही हूं। ओ बाबूजी, मैं तो कहता हूँ जाओ जल्दी, ओ इससे पहले कि देर हो जावे और आपको ना सैड सैड वाला गाना गाना पड़े। आप जाओ, अपनी बीवी को ढूंढो, उसको वापस लेकर आ जाओ और उसको ना प्यार के पल याद दिलाओ। ओ मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जी, आप ही कुछ कर लो। आपकी बीवी यहाँ है? ओ नहीं जी, वो तो Exactly. अगर आपकी बीवी यहाँ नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, हो गया आपका काम। ओ पाऊजी, मैं तो चले जाता हूँ, लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू जी, वरना दिल वाले दुल्हने ने वापस ले जाएंगे। ओके, जस्ट गो। ओके। एक तो मुझे भी पता नहीं कि मैं यहाँ पे आया क्यों, और अगर उस मीरा ने देख लिया ना तो अपनी मीरा गिरी पे उतारेगी और अजीब से सवाल पूछेगी। ठीक है, अब ये लड़की तो मरी, और अगर ये लड़का भी बीच में आया ना तो ये भी गया।
मम्मी जी बुला रही है आपको। जाके काम तमाम कर। अरे घर पे भी कोई लड़का बार बार बीच में आ रहा था और यहाँ पे भी कोई लड़का एक बीच में आ रहा है। इस मीरा के तो काफी मोहन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे थे? प्लीज मुझे भी इनविटेशन आया था। तुम रहने दो, तुम कौन सा ऐसी पार्टियों में जाते हो? तुम्हारी अकड़ जो इतनी ज्यादा है, तुम पक्का मेरा पीछा कर रहे थे। तुम्हारा पीछा नहीं, तुम्हें बचाने आया था। देखा नहीं मरते मरते बची हो तुम। अब ना बात मत घुमाओ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे थे। हाय रब्बा, इतनी जलन कब से होने लग गई? कोई जलन वलन नहीं हो रही थी, और वैसे भी जलन नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हूँ। पागल था मैं जो इस जैसी खूबसूरती को जलाने चला था। इसको तो देख के मेरे अंदर की आग जल गई। अब इसे मारूंगा नहीं, पहले अपनी जलन को बुझाऊंगा। और तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो उसकी भी जान बचाता। और वैसे भी ये जगह कोई सेफ नहीं है। चलो यहां से। हाँ विवान, डर तो लग रहा था, और शुक्र है कि तुम आ गए। और अब तुम्हारे लिए तो रुकना तो पड़ेगा। नहीं जी, मुझे अच्छे से पता तुम्हें जलन हो रही है। और मुझे क्या, मैं पार्टी एंजॉय करके ही जाऊंगी। रियली? जहां तक मुझे याद है तुम्हें पार्टीज का शौक कब से हो गया? पिछली बार पार्टी का नाम लिया था तब तो तुम भाग गई थी। जब से मैंने वो फ्रेंड्स बुक पे अपने दोस्त बनाया, अब तो मैं भी रोज पार्टियां करूंगी। पागल मत बनो मीरा। जिस पार्टी पे लोगों ने मुंह पे ये घटिया से मास्क रखे हुए, वो पार्टी सेफ नहीं हो सकती, तुम भी जानती हो। चलो यहां से। कोई नहीं, मुझे सेफ फील कराने वाला है इस पार्टी में, तुम टेंशन मत लो। जी आप इधर हैं? पम्मी जी बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। अब आपके जाने का वक्त आ गया है। अगर पम्मी जी यहाँ मिल गई ना तो यहीं पे विवान से मिला दूंगी। चलिए। चलो वीर जी। प्यारी बसंती ठीक है ना तू? चलिए। कुछ कमाल है बाबूजी, तुझे खा लिया था के? वो जाओ भाभी जी को लेके आओ साथ में। पहली बात तो हमारी शादी ढंग से हुई नहीं, और दूसरी बात अगर शादी हुई भी है तो वो आपकी भाभी कैसे हो गई? आप इसे साफ ही कीजिए, मैं काम करता हूं, मैं अंदर ही जाता हूं। भाभी कमाल है रे, इतना गुस्सा। अब वीर जी और बहन जी कहना बंद करते हैं, क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूं ना तुम पे चीजें सूट नहीं करती है। क्या कर रही हो जी? कहाँ जा रही है? क्या कर रहे हो तुम? विवान, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो। विवान, विवान, कोई कोई है, बचाओ, छोड़ो मुझे। कोई है, कोई
टॉमी मारने की बात हुई थी। Stop doing what you're doing। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ कोई है, कुछ बचाओ प्लीज। अब मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है, ठीक है ना? What? अपनी मर्जी से करूंगा? तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी मुश्किल से मैंने पम्मी के बनके चैट्स की हैं। तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? तुम मुझे मिलना क्यों चाहते हो? ये सारा प्लान बना है। डोंट स्पॉइल माय प्लान, समझे तुम टॉमी? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अब मुझे बार बार फोन करके मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझको भी तो थोड़ी पार्टी एंजॉय करने दे। विवान! विवान! चल अब फोन रख। पीछे हटो, क्या क्या कर रहे हो तुम? कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, समझ गया तो तुम? छोड़ो मुझे, विवान! छोड़ो मुझे, विवान! कहाँ पे भागती? कौन हो तुम? तुम्हें तो पम्मी जी ने भेजा था, क्या ये सब? थोड़ी देर के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेरे को याद रखो, रात को और पार्टी को, बाकी तो सब मैं तुम्हारे वैसे ही यादगार बना दूंगा। नहीं तुम मुझे पता नहीं था। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब जो करना है वो मैं करूंगा। अब क्या कर रही हो? अभी जिंदा है, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तूने मेरे भाई को मारा है ना? फेरी तुझे बताएगी कि मौत क्या होती है। पकड़ो और लेके आओ मेरे पास। बाबूजी तीसरा बंदा कौन है? अच्छा, वो लगता है भाभी जी का ना बॉयफ्रेंड होगा। हाँ जी, आप अपनी बकवास बंद करेंगे। बॉयफ्रेंड होगा जो भी होगी, आप गाड़ी में पूछना, उसको गोली लगी है, हेल्प कीजिए। ठीक है भाजी, आ जाओ। ओ, मेरी वोटी तो सिर्फ भागी थी जी, आपकी वोटी तो पता नहीं किस किस लोगों को साथ में लेकर आई है। आप जो कह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करो, थोड़ा हमें सोच रहे और गाड़ी चलाओ। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम इसको लेके क्यों जा रहे हैं? हम इसको इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ यही जानता है कि पम्मी कपूर कहाँ है। मैंने सुन लिया था कि पम्मी कपूर ने इसको भेजा, और अब तुम्हें समझ आया मेरा कि मैं तुमसे बार बार क्यों कह रहा था कि मैं उस औरत से नफरत करता हूँ। मैं ये तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि जो औरत तुम्हारे साथ ये सब कर सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। शी कैन डू एनी ब्लडी थिंग।
सुनो, लड़के ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया उस लड़के, हैंग ऑन लिसन टू मी, जो कुछ किया है लड़की ने किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें अगर अपने भाई का बदला लेना है तो उस लड़की से लेना, आई प्रॉमिस यू, मैंने सब कुछ देखा था, लड़के ने कुछ भी नहीं किया। तुम ये लो, ये तुम्हारी मदद करेगा, बट मेरा यकीन करो, लड़के ने कुछ नहीं किया। तुम अपने भाई के लिए ना उस लड़की को छोड़ना मत। लोगों ने नागिन का बदला देखा होगा, अब वो शेरी का बदला देखेंगे। विवान को कुछ नहीं होना चाहिए, जो हो उस मीरा को, इनफैक्ट इस बार तो आई होप ये मीरा को खत्म ही कर दे। किसी को फोन करने का ट्राई करता, सुपर यहां तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। तुमसे कहा था ना कि घर पे रुको, पर तुम्हें तो पार्टी पे आने का शौक था, कर लिया तुमने अपना स्यापा। बात ना अभी सीरियस है, इसलिए चुप, वरना मैं भी जवाब दे सकती हूँ। चुप हो। ये लोग तुम यहाँ तक आ गए हमारे पीछे? और भाभी जी के बॉयफ्रेंड के घर वाले भी बहुत गुस्से में जी गोलियां चला रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि भाभी जी को यहीं छोड़ देना चाहिए आपको। अरे पाजी, आप हमारी जोड़ी बनानी और मेरी शादी तोड़नी बनानी बाद में करना, पहले गाड़ी चलाओ, पीछे से गोली आ रही है, आपको भी लग जाएगी। तो चला रहा हूँ जी। चुको। काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया मैंने तुम सबको पार्टी में, देखना चाहती थी कैसे उठ बैठ रहे हो, कैसे खा पी रहे हो, और अब तक थ्योरी में तुम लोगों ने जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली कैसे दिखा रहे हो। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर थ्योरी में तुम लोगों को मैं 7 मार्क्स दूंगी ना, तो प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स, तो उस पर काम करने की जरूरत है ना, तो अपनी क्लास में जाओ, पार्टी के लेसन दोबारा पढ़ो, ठीक है? पूरी पार्टी में तो मैं यही सोचती रही कि अगर विवान मुझे वहां मिल गया तो उसे क्या जवाब दूंगी मैं, और सरप्राइजिंगली वो लड़की जिसमें मुझे कभी कोई क्वालिटी नजर नहीं आई वो विवान की बीवी है। हे भगवान, कहते हैं ना कि जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका बुरा करते, उनको पाप लगते हैं, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ मत करना, उसे हमेशा खुशियां देना, उसे हमेशा सेफ रखना। सांसें चल रही हैं इसकी, डॉक्टर को बुलाओ। आखिर आ गए कब्जे में। बस एक एन की कमी थी, वरना शेरी किसी शेरनी से कम नहीं। विवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली बात ही तो, डर ही तो लगेगा। तुम्हारे ऐसे हालात में बोलना जरूरी है क्या? उनके जवाब देना जरूरी है? और ऐसे हालात में तुम्हारा लड़ना जरूरी है क्या? देखो इस लड़की को। तोता मैना बहुत भगाया है, हाँ? बहुत शौक है ना तुम दोनों को खेल खेलने का। अब तुम दोनों एक खेल मेरे साथ खेलोगे, पकड़ से। इस बंदूक में 10 गोलियां हैं। कितनी? 10। इसमें एक अर्जुन पहले से ही फिट है, और क्या है ना, जो इस बंदूक को जैसे जिधर जहां चलाएगा
निशाना बिल्कुल सही जगह लगेगा। इसे अगर हवा में डिस्कियों डिस्कियों भी करोगे ना, तो इस पतली कमरिया के इधर उधर कुड़ी तो लग ही जाएगी। क्यों? मेरे भाई को मारा था ना, चल मार इसे। जब तक मेरे भाई की गोली नहीं निकलती तब तक कुछ तो करेंगे ना टाइम पास के लिए। क्यों? इन दोनों से तो ना हो पाएगा। चलो मैं इनकी थोड़ी मदद कर देती हूं। पहली गोली वो चलाएगा जिसे पम्मी कपूर से मिलना है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? पता नहीं है क्या तुम्हें? ये बड़ी गेम पम्मी कपूर ने ही रचाई है। अब तुम दोनों उसी का नाम लेके इस छोटी गेम की शुरुआत कर दो। तू तो पम्मी कपूर से कभी नहीं मिल पाएगा, भूल जा। I'm sorry, मीरा, पर अब पम्मी कपूर से मिलने का सिर्फ यही तरीका है। कैसी बात कर रहे हो विवान? पागल तो नहीं हो गए हो? कोई ना कोई और तरीका जरूर होगा। तुम बचपना मत करो। नहीं मीरा, हम बहुत हो गया। अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे उस औरत से मिलना है। विवान देखो जल्दबाजी मत करो, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरी ढंग से शादी भी नहीं हुई। तो वो सबकी मुझे परवाह नहीं, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मीरा मुझे पम्मी कपूर से मिलना, तुम जानती हो। अगर गोली की फूंक भी मुझे लग जाती ना तो मैं तेरी फूंक निकाल देती। देखने में तो बड़े भोले भोले लगते हो दोनों, हरकतें तुम्हारी बड़ी तगड़ी हैं सालों। ये डिस्कियों डिस्कियों नहीं बंद नहीं होना चाहिए जब तक तुम में से एक आधा गिर नहीं जाता। चल शुरू हो जा, चल। अगर लगी ना चुड़ैल बन के आऊंगी, रोज तुम्हारी चीखें निकलवाऊंगी कसम से। मार इसे। ये आसपास गोली चलाना बंद कर और सीधा गोली तन खोपड़ी में इसकी। इस परी मेरे हाथ पैर तोड़ने तोड़ दे, पर मेरे बालों को कुछ हुआ ना तो तुम्हें भी गंजा कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ तुम पूरी तुम मिट्टी हो जाओगी। वेट एंड वॉच एंड डोंट वरी, एक बार ये गोली लग जाएगी ना फिर तुम कुछ फील नहीं कर पाओगे। बहुत आसानी से सब कुछ
आराम से होएगा, ठीक है? Just be patient. ज़्यादा डरो मत, ये सब सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी थोड़े टाइम में तुम्हारा सारा डर सब खत्म हो जाएगा, देखना, I'll finish you, मीरा। आखिरी गोली, तू मारता है कि मैं मारूं? नहीं, मैं मारता हूं ना, मुझे से मारना है, प्लीज मैं मारता हूं। चल निशाना लगा, चुन्नी पे, नाखून पे और झुमके पे निशाना लगाना बंद कर, समझा? मुझे सीधा खोपड़ी पे निशाना चाहिए, पचा? ऐसा सीन देखना है मुझे, वरना मैं यहां तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूंगी। और तू पम्मी कपूर को तो भूल ही जाना, समझा?